नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगा। आज का टॉपिक है सगाई टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन सबसे पहले ये बता दो कि सगाई में जो खर्चा करते हैं, आजकल तो फैशन ऐसा निकला है कि शादी जितना खर्चा कर डालते हैं सगाई में। और आपने देखा ही होगा अभी रिसेंटली मुकेश अंबानी के बेटे के प्री वेडिंग फंक्शन में शादी में क्या होगा। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो आजकल वो भी सगाई में बहुत खर्चा करते हैं, डांस रखते हैं, डीजे रखते हैं, न जाने क्या क्या रखते हैं, खाना पीना भी बहुत अच्छा बढ़िया रहता है। और उसके बाद पता चलता है कि सगाई और शादी के बीच में 6 महीने का डिफरेंस है, इस बीच में खटपट बहुत होती है और फिर सगाई टूट जाती है। तो सगाई को इतना ज़्यादा आप खर्चा करोगे, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि बाद में शादी में भी उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। सगाई में बहुत कम खर्चा करो, इतना हो सके उतना कम खर्चा करो, इतना ज़्यादा लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ घर वाले हो इतना काफ़ी है। कुछ रिलीजन में तो खाली चाय नाश्ते में ही हो जाता है, हमारे हिंदू धर्म में तो कम से कम खाना खिलाते हैं। तो जितना हो सके कम खर्चा करो सगाई पर। लेकिन बात यह आती है कि सगाई टूट क्यों जाती है? दोस्तों बहुत सारे रीज़न है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न यह है कि शादी के बाद कहाँ रहे कि कपड़े कौन धोएगा, बर्तन कौन घिसेगा, बच्चे ज़्यादा चाहिए या नहीं, ये सब भी पूछने के लिए लोग शर्माते कतराते। यही कारण है कि बाद में जब शादी के बाद बीबी बोलती है कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए 4-5 साल, तो फिर वो शादी भी टूट जाती है। तो पति कहेगा अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पत्नी ने कहा तूने पूछा नहीं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, पैसों के मैटर भी होते हैं, लेकिन कहने के बाद ये है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इतना सारा इंक्वायरी करते हैं, तो शादी में आपको बिंदास बात करनी चाहिए, प्री काउंसलिंग होनी चाहिए सगाई के भी पहले, ताकि ये सब डिवोर्स ना हो। बहुत ही खुलकर बात करनी चाहिए। अगर आपको शर्म लगती है तो कोई एक तीसरे आदमी को बिठाओ, वही आपसे सवाल पूछेगा, जैसे कि इंटरव्यू में पूछते जॉब के लिए। लेकिन जितना हो सके अगर आप क्लियर होंगे तो सगाई भी नहीं टूटेगी और शादी भी नहीं टूटेगी। लेकिन इंसान जो है ना वो बड़ा ही ओवर स्मार्ट है, थोड़ी एक्टिंग करता है और थोड़ा वो चाहता है कि कैसे भी बच जाए, ये तो चलता रहता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ है, इसलिए जितना हो सके सगाई में खर्चा कम करें, सिर्फ अपने घर वालों को ही इनवाइट किए, और ज़्यादा इसमें गैप मत रखिए। शादी और सगाई के बीच में 3 महीने का गैप ठीक है, इससे ज़्यादा मत रखिए। 6 महीने का गैप आजकल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और फिर सगाई टूट ही जाती है। तो जहाँ तक हो सके 3 महीने में फटाफट सगाई करके 3 महीने में ही शादी कर डालिए। बहुत सारे लोग को दिखावा करने की बहुत आदत होती है, ये खर्चा करेंगे वो खर्चा करेंगे, और कुछ बात मन में ही दबा देते हैं, चाहे पैसे की बात हो, चाहे गाड़ी की बात हो, चाहे फ्लैट की बात हो, जो भी है खुलकर बात करनी चाहिए, चाहे लड़की के जॉब की बात हो। कुछ लड़कियां पहले जॉब करती है और बाद में शादी के बाद जॉब छोड़ देती है, तो पति बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो जॉब करती थी अब क्यों नहीं कर रही है, तो वो मना कर देती है अब मेरा मूड नहीं है। अरे मूड नहीं है, लेकिन उसने जो सोच के रखा था कि वो सपोर्ट करेगी, तो वो तो सब गई भैंस पानी में। तो सब पहले ही क्लियर कट होना चाहिए कि भाई शादी के बाद तू
जॉब करेगी कि नहीं, मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं। शादी में बहुत लोग बहुत कुछ छुपाते हैं, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है।